यहाँ पर प्रकाशित होते हैं, शोध होता है, लेकिन पेटेंट्स फाइल होने की संख्या बहुत कम है। मैं आभारी हूँ कि जो नेशनल राष्ट्रीय जो ये संस्थान है पेटेंटिंग का, ये विशेष रूप से जो हायर एजुकेशनल के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें प्रोफेसर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, और हमारे बहुत सारे यंग इनोवेटर, यंग माइंड्स, हमारे जो छात्र हैं, ये पेटेंटिंग की प्रोसेस से परिचित नहीं हैं। तो उनको इस प्रक्रिया से दीक्षित करने के लिए एक ये आईपी अवेयरनेस का प्रोग्राम आयोजित किया गया है। मैं यहाँ पर आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जो इंडियन इनोवेशन काउंसिल, जो एमआईसी सेंट्रल गवर्नमेंट का बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, ये बहुत ही सराहनीय कार्य हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में नवाचार को प्रमोट करने के लिए कार्य कर रही है। और इसके जो डिप्टी कंट्रोलर हैं, सॉरी असिस्टेंट इनोवेशन ऑफिसर वहाँ के जो हैं, माननीय श्री अभिषेक रंजन जी, निरंतर हमें बढ़िया। अपना मार्गदर्शन देते हैं, और उनके मार्गदर्शन में हमने अपने महाविद्यालय में इस काउंसिल की स्थापना की है, और इनोवेशन सेल की गतिविधियां प्रारंभ की हैं। तो बधाई के पात्र हैं आईआईसी दिल्ली कि भारतवर्ष में एक ऐसा इकोसिस्टम उन्होंने प्रेरित किया है जो इनोवेशन को फॉस्टर करता है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, ताकि यहाँ के जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो यहाँ के यंग माइंड्स हैं, उनकी जो बेस्ट एबिलिटीज हैं, उनको हम पेटेंटिंग फाइल में प्रेरित कर सकें। और विद्वान वक्ता जो हमको संबोधित करेंगे, डॉक्टर एन सूर्यवंशी जी, आप 18 वर्षों से सेंट्रल गवर्नमेंट के इस पेटेंटिंग के ऑफिस में, जो राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट है पेटेंटिंग और डिजाइन का, उससे संबद्ध हैं। आप जीव विज्ञान का आपका बैकग्राउंड है, पीएचडी आपने बायो इफिकेसी में किया, जिसमें फाइटोकेमिकल स्टडीज ऑन मेडिसिनल प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीशीज किन्वत, और पर्टिकुलर नादेड़ डिस्ट्रिक्ट में आपने काम किया, और देश के अत्यंत प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जो तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नादेड़ में है, वहां से आपने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। प्लाज्मिड प्रोफाइल ऑफ प्रोटियोलिटिक लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जैसे महत्वपूर्ण विषय को आपने एमफिल डिग्री में शोध प्रबंध आपने प्रस्तुत किया था, और बायोटेक्नोलॉजी विषय में आपने स्नातकोत्तर उपाधि अर्जित की है, और अत्यंत प्रतिष्ठित स्कूल जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय, प्रारंभिक शिक्षा, एक बहुत ही एक परिष्कृत परिवेश में आपकी प्रारंभिक शिक्षा हुई, अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में आपके शोध पत्र प्रकाशित हैं, और आईपीआर में अनेक व्याख्यान आपने देश विदेश में दिए हैं, और प्रशिक्षण के कार्यक्रम विशेष रूप से जैसे टोक्यो और अनेक वहाँ के जो एप्लीकेशंस हैं, मतलब जो आईपीआर इश्यूज से रिलेटेड हैं, और विभिन्न प्रकार के जो जुडिशियल नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, उसके प्रैक्टिसेस में आप एसोसिएटेड हैं, और महाविद्यालय बहुत आभारी है कि आपने अपनी स्वीकृति दी कि इस अवसर पर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। और आपने जो है एक फाइजर का एक बहुत ही ऐतिहासिक एक पेटेंट डेवलप हुआ था, जो आर्थराइटिक्स से संबंधित जो गठिया हो जाता है पैर में, उसको भारत में फाइल किया गया था, तो उसको एक बहुत ही मतलब चैलेंजिंग डिसीजन था, और आपने कुछ उसमें टेक्निकल विशेषज्ञता अपनी प्रदान की, और वो किसी कारण से वो अस्वीकृत हो गया क्योंकि वो खरा उतर नहीं रहा था। सो वी हैव वेरी एबल मेंटर्स विद अस टू गाइड अस। आप देखिए कि भारतवर्ष
एक बहुत बड़ी संभावना है, जैसा मैंने आपको बताया, हमारे सम्माननीय जो मार्गदर्शक हैं वो हमें बताएंगे कि जो गैप है, हमें विद्यार्थियों को हम कैसे प्रेरित करें। और पिछले मतलब 500 वर्षों से हमारा समाज जो है परिवर्तन की एक तेज धारा से गुजर रहा है, और आज हम कह सकते हैं कि आज हम एक इंफॉर्मेशन एज में रह रहे हैं। रादर वी कैन से दैट वी आर पासिंग थ्रू ए इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे, और एक नई प्रकार की सभ्यता और संस्कृति हमारे। डॉक्टर भरत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ओके सर, थैंक यू सर, क्षमा करेंगे इंटरप्शन के लिए। तो कहने का मतलब है कि हम लोग कृषि के बाद इंडस्ट्रियल युग को अब छोड़ रहे हैं, और परिवर्तनों का बहाव इतना तेज है इस सुपर इंडस्ट्रियल एज के पश्चात, ये आज हम सब के लिए बहुत ही गौरव और फैसिनेटिंग टाइम है कि कुछ ही घंटों के बाद हमारा भारत चंद्रमा के ऊपर स्पर्श करने वाला है। अब चंदा मामा दूर के की दूरी एकदम कम होने वाली है, और शायद इसके पीछे हमारे पारंपरिक ज्ञान की शक्ति है जिसने हमें प्रेरित किया है। तो आईपीआर एक महत्वपूर्ण माध्यम है, और आईपीआर के माध्यम से हम अपनी क्रिएटिविटी और इनोवेशन के माध्यम से एक नई एक आर्थिक व्यवस्था को संपोषित कर सकते हैं। हमारे बीच में सम्माननीय श्री अशोक रंजन जी उपस्थित हैं। हेलो अशोक जी, क्षमा करेंगे, अभिषेक रंजन जी, माननीय श्री अभिषेक रंजन। जी नमस्ते नमस्ते सर, वेलकम, हार्दिक स्वागत है सर। एंड विथ योर जी। ग्रेट इंस्पिरेशन वी कुड ऑर्गेनाइज दिस एक्टिविटी बाई इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन काउंसिल इन आवर कैंपस इंस्पायर्ड बाई यू। सो वार्म वेलकम ऑन द बिहाफ ऑफ इंस्टीट्यूशन, हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अनेक अकादमिक संस्थानों के प्राध्यापक गण, उनके डीन्स, और बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स और विद्यार्थी गण अधिक संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं। तो मैं उन सभी का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। मुझे एक ही बात कहना है कि आज 21वीं शताब्दी में हम लोग, अभी कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने उद्यमिता दिवस मनाया था, एंटरप्रेन्योर्स डे, शिप डे बनाया था, लेकिन अब हम लोग इस इंफॉर्मेशन के युग में आप हम लोग इसको छोड़ चुके हैं। अब हम लोग 21st सेंचुरी इज द इरा ऑफ इनोवेशन, अब हम लोग जी ओपन इनोवेशन, और इस ओपन इनोवेशन में एक नई संभावना है जो है कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन की प्रदान की है। और जैसे ही इस एंटरप्रेन्योरियल एज में हम प्रवेश कर रहे हैं, इसका प्रारंभ हो रहा है, और ये जो हमारा आपसी सहयोग है, नॉलेज ट्रांसफर है, सहभागिता का हमारे कार्य करने की दिशा है, ये निश्चित रूप से हमें स्केरसिटी से थोड़ा अबंडेंस की तरफ ले जाएगी, जिसमें कि हमारा बहुत ही सुनहरा भविष्य होगा। थोड़ा और आईपीआर जैसा जो माध्यम है, निश्चित रूप से हमें एक सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर नई दिशा देगा। मैं बहुत स्वागत करता हूं सभी का, हार्दिक अभिनंदन करता हूं महाविद्यालय परिवार की ओर से, और तकनीकी त्रुटि के लिए आपसे क्षमा चाहूंगा। हमारे विद्वान जो मार्गदर्शक हैं, सर्वप्रथम है माननीय श्री अभिषेक रंजन जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और अपना संबोधन दें। माननीय श्री अभिषेक जी, सभी को नमस्ते। सबसे पहले ये कोई माइक अनम्यूट, वैश्मस पटेल जी, कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सबसे पहले डॉक्टर वीके गुप्ता जी, प्रिंसिपल चैतन्य साइंस एंड आर्ट्स कॉलेज पामगढ़ छत्तीसगढ़, आपको हाँ और आईआईसी की पूरी टीम, डॉक्टर गोरिया जी को का मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर भरत जी, डॉक्टर गरिमा तिवारी जी, वीरेंद्र तिवारी जी,
विवेक जी, सभी को नमस्ते, और जितने भी विद्यार्थी इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं उन सबको भी मैं इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए बधाई देना चाहता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आज के कार्यक्रम से वो बहुत कुछ सीख के जाएंगे, क्योंकि आज काफी विशिष्ट वक्ता सब यहाँ पे हैं और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। और मैं अपना ज्यादा समय ना लेते हुए कुछ विषयों को लेकर थोड़ा मैं बात करना चाहता हूँ, स्पेशली जो हमारे युवा साथी हैं। भारत ने जब 1990 में उदारीकरण को अपनाया तो हमने अपने दरवाजे खोल दिए पूरी दुनिया के लिए, और वहां पे बहुत सारी चीजें थी जो दुनिया ने हमसे लिया, हमने भी दुनिया से बहुत कुछ लिया। बट जैसा कि प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि आज के समय में, खास करके आईपीआर के कॉन्टेक्स्ट में बोला जाए, तो आईपीआर एक ऐसा रिसोर्स है जो शायद हमने बहुत अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया। अगर पूरा हिस्ट्री देखा जाए तो भारत की तुलना अगर दुनिया के बाकी देशों से किया जाए तो आज भी भले ही हमारा प्रोग्रेस काफी ज्यादा हो रहा है, बट फिर भी हम उतने जितनी हमारी क्षमता है उस मुताबिक हम अभी भी ग्लोबल मैप पे, हमें बहुत कुछ करना बाकी है। सो इसलिए प्रधानमंत्री जी एक बहुत ही खास करके 2016 के बाद जो एक देश में नई आईपीआर पॉलिसी आई और कई तरह के बदलाव हुए, खास करके जो बदलाव उसके लिए निपम की टीम ने काफी उसके लिए प्रयास किए, खास करके जिस तरीके से टाइम ड्यूरेशन कम हुआ, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में जो पहले साल मिनिमम लगते थे आजकल वो महीने 2 महीने में हो जाते हैं, उसी तरह से पेटेंट फाइलिंग के काम में भी और पेटेंट ग्रांट करने में जो टाइमिंग है वो भी बहुत रिड्यूस हुआ। एक बहुत बड़ा चीज था कि बहुत पैसे लगते थे लोगों के, खास करके जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के थे उनको 80% का जो रिबेट मिला पेटेंट फाइलिंग में, वो एक तरह से बहुत बड़ा एक की फैक्टर बन के आया है। उसी तरीके से कंपनीज और इंडस्ट्री के लोगों को भी काफी रिबेट मिले हैं। देखा जाए तो जो बाकी जो ट्रेडमार्क फाइलिंग एंड बाकी जो प्रोसेसेस हुए हैं उसको बहुत आसान बनाने की कोशिश हुई है, और ये सब कुछ करने के पीछे मकसद ये है कि हम आईपीआर की ताकत को समझें, उसका फुल पोटेंशियल यूज करें और उसको कहीं ना कहीं एक फाइनेंस के टर्म में उसको कन्वर्ट करें। हम अगर उसको अपने आईपी को केवल इसलिए नहीं प्रोटेक्ट करना चाहते कि हम उससे केवल कि वो हमारे नाम पे एक हमारा एक तरह से एक ब्रांड बन जाए और हम केवल उससे पैसे कमाएं, बल्कि वो इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि जो आपका इनोवेशन है, जो आपकी मेहनत है, जो एनर्जी उस पे आप खर्च कर रहे हैं, उसको एक एक उसका एक संस्थागत एक रूप हो और देश को भी उसका लाभ हो और आपको भी उसका लाभ हो। अभी भारत में दो चीजें बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट चल रही है पूरे देश में कि आईपी फाइनेंसिंग, उसको लेकर एक पॉलिसी पे वर्क हो रहा है जहां पे कैसे एक जैसे इंडस्ट्री को कैसे एक फाइनेंशियल बेनिफिट्स, क्रेडिट, रेवेन्यू जनरेट, इन सब में कैसे आईपीआर का एक बड़ा रोल हो और उसके कैसे एक फाइनेंसिंग का एक मॉडल बने और कैसे वहां पे कोलैटरल्स भी कुछ हो जहाँ पे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को खास करके आईपी फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन के साथ जोड़ा जा सके, वो एक पैराडाइम शिफ्ट होने का के दिशा में देश आगे बढ़ रहा है। उसी तरीके से एक बहुत बड़ा एक काम जो चल आने वाले दिनों में जो हम सब देखने वाले हैं कि एक यूनिफॉर्म सिस्टम कैसे बनेगी ताकि आईपी वैल्यूएशन को हम एक एक तरह से इंटेंजिबल एसेट के तौर पे देख पाए और वो प्रोसेस डिफाइन करने का काम अभी देश में चल रहा है। ये दोनों चीजें होने का देश को बड़ा लाभ मिलने वाला है आने वाले समय में। अभी फिलहाल की जो जरूरत है, जो एक लेमैन जो हम आईसी इंस्टीट्यूशन के साथ जब बात करते हैं कि देश आज ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में पिछले 16 से लेकर अभी तक एक बहुत बड़ा जंप किया है, अभी 40वें स्थान पे हैं, बट फिर भी हम 40वें स्थान से बहुत खुश नहीं हो सकते, हमें बहुत आगे जाना है। उसी तरह से आईपी फाइलिंग का जो रेट देखे, हमने बहुत एक टेंजिबल प्रोग्रेस किया है, बट पूरे देश को एकजुट होके काम करने की जरूरत पड़ेगी, जहां पे खास करके जिस तरीके से आपके इंस्टीट्यूशन ने और बाकी लोगों ने एक 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 अपने ऊपर कमाल लिया है कि हम न केवल आईपी के बारे में लोगों को अवेयर करेंगे बल्कि आईपी फाइलिंग को एक इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करने की भी कोशिश करेंगे। एआईसीटी की स्कीम कपिला के थ्रू
आज हजारों आईपी फाइलिंग का काम हो रहा है जिसके लिए हम लोग सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। आईआईसी की टीम ने निपम के साथ मिलके हमने ढेर सारे अवेयरनेस सेशंस ऑर्गेनाइज किए पूरे देश भर में। इनफैक्ट कि निपम ने अभी उनको भी ऐसे आईआईसी इंस्टीट्यूशन जो आईपी को लेकर अच्छा काम कर रहे हैं उनको नेशनल लेवल पे उनको रिकग्नाइज भी कर रही है। बट इन सब काम का एक व्यापक असर तब दिखेगा जब हम कलेक्टिवली पूरे साल भर इसको लेकर काम करें और एक इंस्टीट्यूशन से ज्यादा आईपी फाइलिंग काम, और उसके लिए एक डेडिकेटेड हमारे यहाँ पे जैसे आईएसी में भी एक सिस्टम है कि हमारे आईएसी के काउंसिल में आईपी आईपीआर कोऑर्डिनेटर होंगे। वो आईपीआर कोऑर्डिनेटर का पूरे साल भर एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। उन आईपीआर कोऑर्डिनेटर के साथ एक ऐसी टीम हो जो कॉलेज कैंपस में वो फैकल्टी मेंबर्स का भी रिप्रेजेंटेशन हो, बच्चों का भी उसमें सहभागिता हो, और साथ ही साथ में जो आईपी एक्सपर्ट्स है जो आसपास के जो इजीली एक्सेसिबल है, मे बी टाइम टू टाइम ऐसे आईपी एक्सपर्ट्स को अपने कैंपस में बुला के, खास करके कैसे छोटी बेसिक बेसिक्स जो चीजें होती है, जो बेसिक स्टेप्स होते हैं कि कैसे आप फाइल कर सकते हो, चाहे वो पेटेंट की बात हो या ट्रेडमार्क की बात हो या कॉपीराइट की बातें हो, वो उसके सेशंस करवाते रहना, और ज्यादा से ज्यादा जो इनोवेटिव जो आइडियाज हैं उनको कैसे एक एक, एक, एक टेंजिबल फॉर्म में लेकर, खास करके फाइलिंग का काम प्रॉपर हो उसको लेकर हमें करने की जरूरत है। अभी मैं दो तीन चीजें बताना चाहता हूँ। एक तो चीज बताना चाहता हूँ कि हम लोग जब स्टार्टअप्स को फंड पहले दिया करते थे तो हम ज्यादातर फोकस रखते थे कि वो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करें। बट सिंस लास्ट 2 ईयर्स हम लोग बहुत फोकस करते हैं कि दे शुड ऑल्सो स्पेंड टाइम ऑन प्रोटेक्टिंग देयर आईपी, और खास करके पेटेंट टाइम पे फाइलिंग हो, ट्रेडमार्क कॉपीराइट से रिलेटेड जो भी उनके, अगर उनका कुछ इससे रिलेटेबल है तो दे शुड स्टार्ट होल प्रोसेस ऑन टाइम सो दैट उसका एक मैक्सिमम लेवरेज ले पाए। और ये इसके लिए अलग से जो भी उनको फंडिंग मिलता है उसका एक एक, एक सर्टेन प्रोपोर्शन हम रखते हैं। बट एक बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है कि ऐसे लोगों को अच्छे क्योंकि आईपी फाइलिंग के प्रोसेस में बहुत तरह के गाइडेंस ना मिलने की वजह से कई बार गलत लोगों के हाथों में पड़ जाने से बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं। तो इंस्टीट्यूशन को स्टेप इन करना चाहिए, आगे आना चाहिए। अगर आपके इंस्टीट्यूट में कोई बच्चा इनोवेटर है तो वो उसका कम से कम उसको कंसल्टिंग फीस में ज्यादा ना पैसा खर्च हो, और वो अपना टाइम पे अपना आईपी रिलेटेड जो प्रोसेस है वो भी स्टार्ट कर पाए, उसको लेकर हमें आगे बढ़ के उनकी मदद करने की जरूरत है। एक दूसरा चीज है कि सारे लोग दे आर नॉट विलिंग टू स्टार्ट देयर ओन स्टार्टअप, वो बिजनेस करने के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते, बट दे आर लाइक ए इनोवेटर, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे इनोवेटिव आइडियाज के साथ आ रहे हैं। सो उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनका वैल्यूएशन को पता हो कि जो हमने इनोवेशन बनाया है, जो हमने इतनी मेहनत से क्रिएट किया है, उसकी कितनी कीमत है। उसमें एक बहुत बड़ा एक चैलेंज आ रहा है, एंड आई थिंक हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे कि कैसे एक, एक हमने जो कुछ बनाया उसका आईपी वैल्यू क्या है, उसको हम कैसे एनालिसिस करें, कैसे एनालाइज करें। बट जो जो पॉइंटर जो मैं बताना चाहता हूँ कि इनोवेशन के सेक्टर में स्पेशली दोज हु आर नॉट विलिंग टू स्टार्ट देयर ओन स्टार्टअप एंड दे आर विलिंग टू ट्रांसफर देयर टेक्नोलॉजी टू मे बी इंडस्ट्री, टू एनी 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 अदर मे बी इंडिविजुअल और किसी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी को, सो उस प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के लिए भी हमें इंस्टीट्यूशन को तैयार होना चाहिए, उसके लिए एक सिस्टम बनाना चाहिए। और हमारे ओर से आई कांट रिवील एवरीथिंग, बट वेरी सून वी विल हैव अ डेडिकेटेड सेंटर अक्रॉस इंडिया जहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर हम लोग सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए आगे आएंगे, और इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन और कैसे हम अपने विद्यार्थियों को, अपने इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट कर पाए। बट द पॉइंट आई एम मेकिंग हियर कि जो टेक्नोलॉजी है, जो एक एक जिन्होंने अपना पेटेंट वगैरह फाइलिंग कर लिया है एंड दे वॉन्ट टू ट्रांसफर टू दी इंडस्ट्री, उस प्रोसेस को फैसिलिटेट करने की बहुत जरूरत है। वहां पे इंस्टीट्यूशन को थोड़ा जंप इन करने की बहुत जरूरत है, और स्पेशली क्योंकि बहुत सारे इनोवेटर्स एलुमनी होते हैं, वो किसी कैंपस का हिस्सा नहीं होते हैं, दे फील हेल्पलेस समटाइम। सो वहां पे भी हमें थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए, और हमें एक मैसेज जरूर फ्लोट करना चाहिए अगर इफ यू आर हैविंग सच कैपेसिटी, कि
कि हम आपके लिए हैं, अगर आप आपके पास कोई इनोवेशन है, नहीं यू वांट टू ट्रांसफर इट टू द इंडस्ट्री, तो हम आपकी इस प्रोसेस में हेल्प कर सकते हैं, और उनको मतलब जो एक्सपर्ट्स हैं या जो ऐसे पर्सन हैं जो कि इस मामले के जानकार हैं, उनके साथ कनेक्ट करवाना और उनको हेल्प करना इज वेरी मच नीडेड। और जो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे जो चीज़ें हो रही हैं वो तो हो ही रही है। जो तीसरा जो एक चीज़ है जो शायद मैंने लास्ट टाइम भी शेयर करी थी कि हमारे इंस्टीट्यूशन में आईपी को लेकर जो अवेयरनेस है वो थ्रू आउट द ईयर तो चलता ही रहे, बट जो आईपी प्रोटेक्शन की जो हम बात करते हैं कि कैसे हम जो भी अभी भी उसमें पैसे खर्च होते हैं, अभी भी कुछ ऐसे पैसे खर्च होते हैं जो शायद स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होता है, बट उसका लगता है कि उसका इनोवेशन यूनिक है। इंस्टीट्यूशन कुछ आगे आकर ऐसे कुछ लोगों की सपोर्ट करने के लिए एक सिस्टम बनाना चाहिए जहाँ पे हम उनकी आईपी फाइलिंग के प्रोसेस को, स्पेशली जो उसका फाइनेंशियल पार्ट है, उसमें शायद हम या तो हो सकता है तो किसी की हेल्प लेकर अपने एलुमनी के बेस को इस्तेमाल करके, या कॉलेज भी अपना कुछ कॉर्पस फंड टाइप का कुछ बना सकती है जहाँ पे हम ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों की, खास करके दोज हु आर नॉट वेरी इकोनॉमिकली साउंड, उनकी हम हेल्प कर पाए। सो ये एक एक तीसरा पॉइंटर मैं बोलना चाह रहा था आज के कार्यक्रम में। आईपी को लेकर जो आपने ये कार्यक्रम आयोजित किया है और जो हमारे एक्सपर्ट्स आए हैं, उनसे हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और हम सब मिलके भारत को आईपी के मामले में एक दुनिया का जो ग्लोबल इंडेक्स हेलो में अभी हम हेलो 20वें स्थान पे हेलो हैं, वो दुनिया हेलो के टॉप में हेलो आए, तभी जाके हम शायद हाँ एक भारत का जो एक वैश्विक स्वरूप है आज के दिन में उसको हम रियलाइज कर पाएंगे, और हमें हमें बहुत हमारे देश में संभावना है, उस संभावनाओं को, पोटेंशियल को यूटिलाइज करने में चैतन्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का और आप सबका बहुत बड़ा रोल होने वाला है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आभार सर, थैंक यू वेरी मच। और ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि जो इंडियन इंस्टीट्यूशनल काउंसिल है बहुत जनरस सपोर्ट पेटेंटिंग के लिए देगी, सो इट विल बी अ ग्रेट मोटिवेशन टू ऑल स्टेक होल्डर्स। थैंक यू वेरी मच सर, एंड वी आर हाईली ग्रेटफुल फॉर योर प्रेजेंस एंड योर वैल्यूबल एड्रेस। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हेलो, नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर भरत एन सूर्यवंशी सर, प्लीज सर। यस, थैंक यू सो मच। एज प्रिंसिपल सर टोल्ड, एज रंजन सर टोल्ड, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द आईपीआर। यू हैव टू प्रोटेक्ट योर इंटेलेक्चुअल्स। वी शुड ब्रिंग आवर कंट्री एज इंडिया, यू नो वी आर फाइलिंग मोर एंड मोर पेटेंट्स, बट वी आर नॉट इन द लिस्ट ऑफ टॉप 5 एंड ऑल। USA, EP, कौन सा UK filing more, so we are supposed to be, and many many government of India has changed in the act. They have given many things that less in the face and all. Let us see in detail by sharing my slides. Are you able to see my screen, anyone, please? यस सर Okay. First यस of सर all, I introduce my office where I'm working. Our office is called as Office of the Control General of Patents, Designs, Trademark and Geographical Indications. You know, we are having different patent offices at Kolkata, New Delhi, Mumbai and Chennai. Four locations. Training center at Nagpur. Trademark office in addition to four. One is at Ahmedabad, Gujarat. Geographical Indication office at Chennai. These are the pictorial view of our offices, Mumbai, Delhi, Chennai and Kolkata. This is our training center, only one that is in India. This is our website. If you are not knowing anything, please log on to this. You will come to know in detail. Again, RGNF is conducting some programs, keeping updates on our website as well as social media accounts like Facebook and Twitter. Please log on that. Let ओके us see थैंक what is intellectual property. ओके बौद्धिक ओके संपदा, थैंक यू बौद्धिक सर property यानी क्या? I'll try. I am from South India, so I'll try my Hindi also. So, what is intellectual property? आप देख सकते हैं, मैंने कुछ दिखा यहाँ पे, लाइटनिंग इन द माइंड, ब्लूमिंग इन द माइंड। मुझे कहना है द प्रोडक्ट ऑफ माइंड इज कॉल्ड इंटेलेक्ट। वट इज दैट? इट्स एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अराइजेस फ्रॉम ह्यूमन माइंड। ये हमारे माइंड से आया। सो ह्यूमन इज द इंटेलिजेंट एनिमल। मानव है, इंटेलिजेंट है, जिससे हम नया कुछ ले आ सकता है। इसलिए हम
एरोप्लेन लेके आए, चंद्रयान कर रहे, सेंट प्रॉप दैट वी आर गेटिंग आइडिया, एनी आइडिया फ्रॉम योर माइंड इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप देख रहे हैं पेट्रोल और डीजल, रेट डे बाय डे हाउ मच रेट्स वी आर गेटिंग हाइयर, बट इट्स नॉट ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। लेकिन उसको अल्टरनेटिव कोई आप में से या कोई केमिस्ट, कोई टेक्नोलॉजिस्ट, कोई इंजीनियर लेके आता है बायोडीजल, बट इज दैट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इट्स एन फॉर्म ऑफ ऑयल आर प्रोसेस ऑफ प्रिपेरिंग दैट बायोडीजल। अभी ये जो मुझे नया डिजाइन लेके आया लैपटॉप के लिए, डिजाइन हो गया। यदि मैं नया किताब लिख रहा हूँ, स्टोरी लिख रहा हूँ, कोई पोएम लिख रहा हूँ, इट्स कॉपीराइट। सो एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम योर माइंड, आपके दिमाग से जो निकलता है, उट्स एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बिकॉज वी आर द इंटेलिजेंट, सो वी आर गिविंग दैट प्रॉपर्टी, सो दैट इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, अभी देखिए आजकल में वी नो मॉस्किटो कैचिंग बैट, ये तो सबको काम है कि मॉस्किटो हम बैट से मार देते हैं, लेकिन कभी गलती से आपने उस बटन ऑन रखा तो आपको स्मॉल से शॉक लग जाएगा। लेकिन मुझे कंप्यूटर का नॉलेज है, मुझे सॉफ्टवेयर का नॉलेज है, इसलिए मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूँ। कैसे? डिजिटल मॉस्किटो कैचिंग डिवाइस। ये डिजिटल क्या करेगा, जब आप उसको छुएंगे तो इट रिकॉग्नाइजेस इट्स एन ह्यूमन हैंड बिकॉज इट्स एन डिजिटल। तो उसी तरह मैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ, वो आइडिया कैसे आ रहा है, मेरे माइंड से, मेरे दिमाग से। द सो प्रोडक्ट ऑफ माइंड इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल। अब मुझे नया डिजाइन लेके आना है, ये ऑलरेडी मेरा वाटर ड्रिंकिंग जग है, इसका नाम है मिल्टन कंपनी का, लेकिन कुछ और कंपनी आती तो नया डिजाइन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन द फॉर्म ऑफ डिजाइन, तो एक डिजाइन होगा। सो देयर डिफरेंट काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल। सो ये सब कहाँ से आता है, अपने माइंड से। सो द प्रोडक्ट ऑफ माइंड इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। लेट अस सी कैसे आता है प्रॉपर्टी, हाउ इट ओरिजिनेट्स, हाउ इट अराइजेस ड्यूरिंग डिस्कशन इन द क्लासरूम, जब आप अपने बच्चों के साथ डिस्कस करते हो या आप लेबोरेटरी में कुछ रिसर्च करते रहते हो, तब कुछ प्रॉब्लम आता है, उसे सोल्यूशन निकालते हो, या सिटिंग अलोन आर इन ग्रुप ऑफ पीपल, कभी अकेले बैठ के सोचते हो, या कोई ग्रुप में डिस्कशन करते हो, तब किसी प्रॉब्लम को हम सोल्यूशन लाते हो, देयरफॉर दैट सोल्यूशन इफ इट इज प्रोडक्ट पेटेंट हो जाता है, डिजाइन हो सकता है, प्रोसेस हो सकता है, या कोई किताब लिखते हो या कोई आइडिया आता है तो कॉपीराइट भी हो सकता है। सो द प्रॉपर्टी दैट अराइजेस फ्रॉम ह्यूमन इंटेलेक्ट और प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन क्रिएशन इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। लेट अस सी व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ दैट प्रॉपर्टी। कहते हैं अपने मन में क्या आ जाता है, मेरे पास घर है, गाड़ी है, बंगलो है, और गांव में मेरे खेत भी है, मीन्स आई एम हैविंग लैंड, सो मैं बहुत श्रीमंत हूँ, आई एम वेरी रिच एनफ। बट देर इज अनदर काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इनटेंजिबल, वी कैन नॉट टच दैट प्रॉपर्टी, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इन दैट वी आर हैविंग इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी एंड कॉपीराइट, इसमें आता है पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, इंटीग्रेटेड लेआउट सर्क्यूट, ट्रेड सीक्रेट्स, अगेन प्लांट वेराइटीज भी आ जाती है। देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। लेट अस सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आपको पता चला इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो माइंड से निकलता है, किस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हो, बुक्स देते हो, इंटेलेक्चुअल। हाउ टू डिफाइन इंटेंजिबल, मीन्स वी कैन नॉट टच, क्रिएशंस ऑफ होम ह्यूमन इंटेलेक्ट, आप में माइंड से आने वाला प्रॉपर्टी, जिसको कमर्शियल वैल्यू हो, एक असेट है, जैसे कि दूसरी प्रॉपर्टी है, गोल्ड है, फ्लैट है, प्लॉट है, उसी तरह एक प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपके कॉलेज में से किसी ने बायोडीजल बनाया, तो ये आपकी प्रॉपर्टी है, आप किसी कंपनी को, रिलायंस एचपी को जब सेल करते हो तो उससे आपको पैसे मिलता है, इसलिए हम उसे एक असेट कहते हैं, उसे एक प्रॉपर्टी कहते हैं, इसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिव राइट है, यदि आपके नाम पे पेटेंट होता है तो सिर्फ आपके साथ राइट है, आप किसी को लाइसेंस करे, सेल करे या जो भी करे, नॉट योर ब्रदर, सिस्टर, नॉट योर टीचर और एनीवन एल्स एक्सेप्ट यू, इसलिए हम इसे नेगेटिव राइट भी कहते हैं। अगेन आईपी जो है टेरिटोरियल राइट है, यदि आप इंडिया में फाइल करते हो तो इंडिया में ही वैलिड है, दूसरे कंट्री लाइक यूएसए, जापान, जर्मनी कोई भी यूज कर सकता है, यू कैन नॉट स्टॉप देम, इसलिए आपको दूसरे कंट्री में पेटेंट फाइल करना है तो आपको पीसीटी रूट अपनाना है या कन्वेंशनल रूट अप्लीकेशन करना है, दो रूट है आपको फॉरन फाइल करने में, ताकि आपका इन्वेंशन, आपका टेक्नोलॉजी वहां पे भी कोई चोरी ना करे या यूज ना कर पाए।
अगेन एक लाइसेंसेबल राइट है। यदि आप कुछ मेडिसिन बनाते हो तो आप किसी कंपनी को लाइसेंस करके बेच सकते हो, उसके पैसे ले सकते हो, मीन्स रॉयल्टी आपको अग्रीमेंट करके। यदि कोई डिवाइस बनाते हो, सीटी स्कैन मशीन कोई बना रहा है तो मैं कभी कम चीज में बना रहा तो किसी आप एक हॉस्पिटल को देना है तो मैं रॉयल्टी कमा सकता हूँ। इसे लाइसेंस, जब आप लाइसेंस कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। पेटेंट यानी क्या? एकस्वाधिकार, एकस्वाधिकार यानी क्या? एक्सक्लूसिव, मोनोपोली, प्रिविलेज आर राइट जो गवर्नमेंट आपको देता है। आपको मीन्स पेटेंट को जो फाइल करता है, पेटेंट न्यू टेक्नोलॉजी जो लेके आता है, तब से डेटा फर्स्ट फाइलिंग से 20 साल तक, तब जब आप डिटेल उसके बारे में लिखोगे तब भी आपको राइट मिल जाता है, उसे हम करते हैं पेटेंट। फॉर एग्जाम्पल आपके है लेकिन आपको पता नहीं होगा, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइल, चेयर का नीलकमल चेयर, बजाज फैन, केतान फैन, एलजी मशीन और आईएफबी वॉशिंग मशीन, दोनों है लेकिन दोनों के डिजाइन अलग है। प्रोडक्ट्स, ऑफिस बैग, एक कॉम देखिए, आपके हर एक के कॉम अलग है, मेरा कॉम अलग है, न्यू डिजाइन। वॉचेस देखिए, पॉन्ड्स पाउडर का डिजाइन देखिए, दूसरे पाउडर का डिजाइन, एवरीथिंग इज डिफरेंट, तो एनी काइंड ऑफ डिजाइन इज लुक। पेन देखिए, पेंसिल देखिए, ग्लास, स्पेक्टिकल्स, कोल्हापुरी चप्पल, एडिडास शूज, कितने सारे डिजाइन के एग्जाम्पल। इवन यही बॉटल्स देखिए, इसका सरफेस पैटर्न, इसका सरफेस पैटर्न, ये सब अलग है। सो एनीथिंग विच लुक्स ब्यूटिफुल, दैट्स एन डिजाइन। सो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रजिस्टर कर सकते हैं। पहले के जमाने आपके घरेलू औरत लोग अपने कपड़े पे कुछ डिजाइन निकालते थे, लेकिन दे आर नॉट नोइंग कि दे हैव टू अप्रोच टू टेक्सटाइल कंपनी। उनको पता नहीं था कि टेक्सटाइल कंपनी हम भेजे ताकि वो हमें कुछ मिलेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रजिस्टर करे। लेकिन अभी तो ये समय आ गया है, निपाम ने समय लाया है कि सबको जान जाए कि डिजाइन क्या होता है, पेटेंट क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है, ताकि हम अपना इंटेलेक्चुअल प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, शार्पनर तो है लेकिन ड्यूअल इन नेचर, नया डिजाइन। पेंसिल तो है नया। बिस्किट्स आपने देखा होगा, पार्ले जी, गुड डे, मोनाको, बॉन बॉन, लेकिन ये देखिए बिस्किट टॉम एंड जेरी, क्योंकि आजकल के बच्चे, माताजी लोग, बच्चे काम करने तो टीवी के सामने टॉम एंड जेरी को वीडियो दिखाते हैं और बिठा देते हैं। सो ही वांट द टॉयज ऑफ दैट, देखो टॉम एंड जेरी टॉय आ गया। अभी बिस्किट भी वैसे ही चाहिए ताकि बच्चे मांग सकते हैं, ये अपना फ्यूचर थिंकिंग है। डिजाइन्स देखिए, ड्रेस डिजाइन देखिए, अगेन ए डिजाइन देखिए। एक स्टूडेंट ने डिजाइन लेके आया, क्यों मैं और तुम क्यों नहीं ले आ सकते? व्हाई कांट वी थिंक इनोवेटिवली? क्यों नहीं ले आएंगे? वी कैन, बट वी आर नॉट थिंकिंग ऑन पर्टिकुलर प्रॉब्लम सीरियसली। इसलिए ये भी बंदा प्रोजेक्ट करता है, बीएससी वाले करता है, एमसीए वाला करता है, एमएससी वाला करता है, लेकिन क्या आप करते हो? यदि प्रोजेक्ट करना है तो लाइब्रेरी में जाएंगे, सीनियर की थीसिस कॉपी करेंगे, डाटा चेंज करेंगे और सबमिट कर देंगे, क्योंकि आपको डिग्री चाहिए, यू आर नॉट एन इन्वेंटर। तो ये लड़के ने जो, उसे कुछ नया प्रोजेक्ट करना है तो कंस्ट्रक्शन कंपनी पे गया, साइट्स पे गया, बहुत सारे कूली लोगों से बात हो गई कि आप स्टोन है, ब्रिक्स है, सैंड है, सीमेंट आपने माथे पे ले आते हो तो एनी प्रॉब्लम? उन्होंने बोला न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, बैक पेन है, बहुत सारे डिस्कशन हो गए होंगे, तो उन्होंने ए नया डिजाइन लाया। देख सकते, इट इज नॉट ऑन द हेड, इट इज अबोव द हेड, सम गैप इज देयर, मोस्ट ऑफ द वेन शोल्डर, फिजिक्स फॉर्मूला, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट, ताकि पूरा वेट यहाँ पे ना आए, मेरे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम और डिस्क प्रॉब्लम ना हो सके। तो एक प्रॉब्लम था, उसको उन्होंने सोल्यूशन दे दिया। सो इफ यू ब्रिंग सोल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम, इफ इट डिजाइन, गो फॉर द डिजाइन, इफ यू ब्रिंग टेक्नोलॉजी, यू कैन गेट द पेटेंट फॉर दैट। और एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्क्यूट लेआउट डिजाइन। हम ताइवान के, चाइना के चिप्स यूज करते हैं, व्हाई कांट योर ओन? फिजिक्स इलेक्ट्रिकल पीपल आर नोइंग व्हाट आर दीज एसआईसीज आर, दीज आर फैब्रिकेटेड कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ लेयर्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, मेटल्स एंड डायलेक्ट्रिक्स, टू गेट इट रजिस्टर्ड दिस शुड बी ओरिजिनल एंड डिस्टिंक्टिव, टर्म इज 10 ईयर्स। सो आपको रजिस्ट्रेशन हो सकता है। ये तो पता है आपको, ट्रेडमार्क, टाटा बाटा आप बात करते हो, मैंने रिलायंस फ्रेश से माल लाया हूँ, व्हाट इज दैट? ट्रेडमार्क टू इंडिकेट द सोर्स ऑफ द कंपनी, कोकोला, स्प्राइट, दीज आर द नेम ऑफ द कंपनी। और इस रजिस्टर करने से आपका कंपनी का प्रोडक्ट कोई कॉपी नहीं कर सकता, नेम नहीं कर सकता। आपने देखा होगा आर विथ एंसर कर लीजिए, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, पीएम भी होंगे कहीं पे, वो अप्लाई किए हैं लेकिन अभी तक रजिस्टर नहीं हो चुका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, उनको
हाँ नहीं आया, मीन्स दे आर नॉट गिवन द मार्क, बिकॉज जब अप्लाई करते हो, एग्जामिनेशन करते हैं हम लोग, रिपोर्ट देते हैं आप, और अपोजिशन भी आ सकता है, इस सब प्रोसीडिंग होने के बाद आपको मार्क का रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, तब आप आर एन का यूज कर सकते हैं, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। टर्म 10 साल है, इट कैन बी रिन्यूड फॉर एवरी 10 ईयर सब्जेक्ट टू यूसेज, लाइक टाटा बाटा कितने सालों से मार्केट में है, तो आप चला सकते हैं आपका मार्क यदि लाए हो तो। ये क्यों करना है कि बिकॉज प्रोटेक्ट द इनोसेंट पब्लिक फ्रॉम बाइंग द सेम सेम रेट ऑफ क्वालिटी, सेकेंड रेट ऑफ क्वालिटी। एडिडास शूज मॉल में जाइए 4,000 रुपये, मुंबई के रोड साइड में जाइए 200 में, व्हाट इज दैट, दे आर चेंजिंग द स्पेलिंग मार्क ऑफ दैट प्रोडक्ट एंड दे आर सेलिंग इन द सेकेंड रेट क्वालिटी। पाउंड्स पाउडर कब से यूज करते हैं हम लोग, लेकिन आपको पता है पाउंड्स पाउडर का स्पेलिंग क्या है, मार्क क्या है? सब कोई लोग बोलता है POU है, कोई बोलता है POA है, कोई अपोस्ट्रोफी है। यू शुड नो सो दैट नेवर यू आर नेवर बी चीटेड इन द पब्लिक। इसलिए आपको सब ट्रेडमार्क लेना है, आपका स्टार्टअप हो, MSU हो, कंपनी हो, उसे मार्क लेना चाहिए ताकि आपका बिजनेस प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और देखिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ये क्या होता है, प्लेस नेम यूज टू आइडेंटिफाई सोर्स ऑफ ओरिजिन, कहां से प्रोडक्ट है। कांचपुरम की सिल्क सारे, नागपुर के ऑरेंजेस, आगरा का पेठा, ये बात करते ही स्पेशलिटी है आपकी, उसको भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। उसका टर्म 10 साल है और आप हर 10 साल को रिन्यू कर सकते हैं। जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट है, दार्जिलिंग टी है, मकराना मार्बल ऑफ राजस्थान है, रतलमी से ऑफ मध्य प्रदेश है, कंचपुरम सिल्क सारी है, बाघ प्रिंट्स ऑफ मध्य प्रदेश, बंगाली पटचित्रा, बहुत सारे जिया है, मगई पान है, देवनली पमेलो है, अपिमिडी मैंगो है, बहुत सारी जिया अपनी केरे की खासियत है, आप रजिस्टर कर सकते हैं। और एक है कॉपीराइट्स। कॉपीराइट क्या है, बंडल ऑफ राइट, बहुत सारे कवर करता है, प्रोवाइडेड होल्डर टू राइट टू रिस्ट्रिक्ट अनऑथराइज कॉपिंग, जिसका रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, कॉपी नहीं कर सकते मूवी पिक्चर पेंटिंग सॉफ्टवेयर का भी। सॉफ्टवेयर को इंडिया में अभी पेटेंट नहीं मिलता है, सॉफ्टवेयर विद द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एटीएम मशीन को पेटेंट मिलता है। तो आप मूवी लिखते हो, ड्रामा लिखते हो, तो उसको कॉपीराइट लेना चाहिए। टर्म है द लाइफ ऑफ द ऑथर +60 ईयर्स। इसलिए आप सुने होंगे बहुत सारे गायक नहीं है लेकिन स्टिल दे आर गेटिंग द रॉयल्टी फॉर दैट। बहुत सारे लोगों ने किताबें लिखी है, हम अब यूज कर रहे हैं लेकिन दे आर नो मोर, बट स्टिल दे आर गेटिंग द रॉयल्टी फॉर दैट। ये कॉपीराइट का महत्व है आपको। यदि फॉर एग्जाम्पल आप यदि बुक्स लिखते हो या स्टोरी लिखते हो, ऑटोबायोग्राफी नॉवेल जो भी लिखते हो, तो अंडर सेक्शन 2O में कॉपीराइट ले सकते हैं। यदि आप आर्टिस्टिक वर्क करते हो, अंडर सेक्शन 2C में। ड्रामेटिक वर्क 2H में। म्यूजिकल वर्क, साउंड रिकॉर्डिंग, सिनेमाटोग्राफी आल्सो। आपने सुना होगा 3 इडियट्स मूवी, उसमें हीरो आपको पता है आमिर खान, 327 पेटेंट है उसके पास, वो साइंटिस्ट कहलाता है। वट इज दैट पेटेंट, ही हैज ब्रॉट द टेक्नोलॉजी। श्याम सुंदर राय तेलुगु मूवी, हिंदी में डब हो चुका है, यू कैन लिसन, कॉपीराइट उसमें डिस्कस किया गया है। मेनी थिंग्स आर इन द मूवीज आल्सो, इफ यू आर गेटिंग कॉपीराइट नो वन कैन कॉपी योर टेक्नोलॉजी। आप बोलते हो अरे ये तो मूवी तेलुगु की हिंदी में डब हुए, व्हाट इज दैट डबिंग, इंफ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट। इफ यू सू देम इन द कोर्ट, यू हैव टू पे द रॉयल्टी, द पेनल्टी फॉर दैट, सो नो वन इज डेयरिंग टू कॉपी। इफ दे कॉपी, दे हैव टू डिलीट द वर्ड, दे कैन नॉट कॉपी द फोटोज पिक्चर्स मूवीज एनीथिंग एल्स, इट्स एन इंफ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट। सो प्रोटेक्शन ऑफ कॉपीराइट इज वेरी मच एसेंशियल फॉर इंडिविजुअल टू प्रोटेक्ट अवर टेक्नोलॉजीज इन्वेंशंस एंड कॉपीराइटेड मैटर्स। आई टेक इन सिंपल एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड कि कैसे हम प्रोटेक्ट करें। देखिए आप देखते ही पहचान जाएंगे ये मार्क क्या है, एप्पल का है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ट्रेडमार्क ले चुका है, जो लैपटॉप काम करता है वो टेक्नोलॉजी उसको पेटेंट मिल चुका है। और ये डिजाइन जो है इंटीग्रेटेड लेआउट सर्किट डिजाइन, यूजर मैनुअल है, कॉपीराइट है, लेआउट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट डिजाइन। तो आप एक प्रोडक्ट को सब तरह से प्रोडक्ट करता है ताकि दूसरी कंपनी लाइक डेल हो, सैमसंग हो, इसका ना डिजाइन, ना टेक्नोलॉजी, ना इंटीग्रेटेड सर्किट कॉपी कर सकता है। लाइक सिंपल सी भाषा में मोबाइल आप नोकिया देखिए, सैमसंग देखिए, रिलायंस देखिए, वीवो देखिए, एप्पल, एक दूसरे का टेक्नोलॉजी नहीं कॉपी किया, इसलिए सब मार्केट में अपना अपना टेक्नोलॉजी बेच रहे हैं। यदि वो कॉपी करते इंफ्रिंजमेंट ऑफ पेटेंट इफ टेक्नोलॉजी, कॉपीराइट इफ दे आर इंस्ट्रक्शन दे आर कॉपिंग, सो यू आर प्रोटेक्टिंग योर टेक्नोलॉजी। तो आप भी कुछ नया लेके आते हो तो प्लीज प्रोटेक्ट कीजिए, और उसको टेक्नोलॉजी हो तो पेटेंट कीजिए, डिजाइन हो तो डिजाइन लीजिए, मार्क करते हो अपने कंपनी के ट्रेडमार्क लीजिए, इनसे कॉपीराइट।
और एक टेक्नोलॉजी ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट क्या है? दैट नेवर बी डिस्क्लोज नॉर पब्लिश, मेंटेन सीक्रेट, लाइक फार्मूला ऑफ कोकोला हमको पता नहीं, फार्मूला ऑफ माजा पता नहीं, फ्रूटी पता नहीं, बिकॉज दे आर मेंटेन सीक्रेटली। और उसकी बॉटल देखिए, माजा का, कोकोला का, पेप्सी का बॉटल का डिजाइन अलग है, बट वी नेवर थिंक, हम कभी सोचा ही नहीं कि क्यों डिजाइन अलग है, क्योंकि ईच कंपनी ने अपना अपना डिजाइन रजिस्टर कर चुके हैं, इसलिए वी कैन नॉट नॉट कॉपी देयर। व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटी इन द आईपीआर? बहुत सारे स्टूडेंट्स दिख रहे हैं मुझे कि आईपीआर तो लेक्चर रखा गया है, लेकिन इसमें कुछ क्या है, क्या फायदे हैं हमें? आपको यदि ज्वाइन करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एज एन एग्जामिनर ऑफ पेटेंट एंड डिजाइन, आप एमएससी केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोलॉजी, फिजिक्स और एनी ब्रांच ऑफ बी हो सकते, तो आप एलिजिबल हो, डिपेंड अपॉन द एडवर्टाइजमेंट एंड वैकेंसी। दो पेपर होते, ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव क्वालिफाई वाइवा, देन यू विल बी सेलेक्टेड। यदि एग्जामिनर ऑफ ट्रेडमार्क जीआई बनना है या कॉपीराइट बनना है, तो आपको लॉ बैकग्राउंड होना चाहिए, देन एडवर्टाइज जब आएगा आप अप्लाई कीजिए, फिर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम कर सकते हैं। यदि आप प्रोडक्ट में करना चाहते हैं, तो आप ट्रेडमार्क एजेंट, कॉपीराइट एजेंट बन सकते हैं, लॉ ग्रेजुएट हो तो, साइंस ग्रेजुएट हो तो पेटेंट एजेंट बन सकते हो, टू पेपर, एक ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव, देन वाइवा ओसी, फिर पेटेंट एजेंट बन सकते हो। और आप आईपीआर सेल, आईपीआर पॉलिसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, मिनिस्टर, कंपनी, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस में भी आप काम कर सकते हैं इफ यू आर हैविंग द पेटेंट एजेंसी। आर यू कैन वर्क इन द आईपीआर फर्म्स, बड़े बड़े सिटी में आईपीआर फर्म्स है, कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, बहुत जगह यू कैन वर्क इन द आईपीआर फर्म्स। दीज आर द करियर अपॉर्चुनिटीज फॉर द स्टूडेंट्स हु आर लिसनिंग माय लेक्चर। अभी यदि मैंने बोला पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट सब कुछ बोला, लेकिन यदि आपको भी इन्वेंटर कहलाना है, बनना है, तो आप क्या करें? थाउजेंड्स ऑफ साइंस आर देर, फैकल्टीज यू आर ऑल, स्टूडेंट्स यू आर ऑल, इफ यू वॉन्ट टू बी इन्वेंटर, फॉलो सिंपल अप्रोच, मैं जो बताने जा रहा हूं। वाइल कैरिंग आउट रिसर्च आर प्रोजेक्ट, आप रिसर्च तो करते ही एमएससी, एमफिल, पीएचडी में, और प्रोजेक्ट करते हो एनी ग्रेजुएशन में, पीजी में, करना है तो आइडेंटिफाई सम प्रॉब्लम्स इन एंड अराउंड यू, एनी प्रॉब्लम, सॉल्व दैट प्रॉब्लम, यू कैन गेट पेटेंट फॉर दैट। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास किसी ने प्रॉब्लम लेके आया, सर वाटर फिल्टर है, आप तो प्यूरिफाइड वाटर पी रहे हो, व्हाट अबाउट द मिलिट्री हु आर वर्किंग एट द कॉर्नर ऑफ द कंट्री, बिकॉज ऑफ दैट वी आर सेफ, वो अभी भी पानी नाले का ही पी रहे हैं। देन आई मीन लेक्चर विल यू कॉल मी ऑफ कोर्स। सो उनके लिए यदि कोई आप में से पोर्टेबल वाटर फिल्टर लेके आता है, छोटा सा वाटर फिल्टर, देन इट्स एन यूजफुल, यू आर सॉल्विंग सम प्रॉब्लम। और एक प्रॉब्लम है, मेनी पीपल आर यूजिंग मास फॉर द आवर मास, सो व्हाई कांट आई ब्रिंग नो स्टील फिल्टर? हेलो, आई मीन लेक्चर का काम है, डायमंड करो। ओके ओके, सो वो फिल्टर के नैनो फिल्टर्स लेके आए, तो आप नॉस्ट्री में रख दीजिए, एयर फिल्टर होके आएगा, नैनो फिल्टर्स। प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल, नया टेक्नोलॉजी, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, नया टेक्नोलॉजी, सोलार पैनल, ये सब आज के आप कुछ नया, व्हीकल्स विच रन इलेक्ट्रिसिटी, ये नया है। गणपति में हम लोग, हर लोग गणपति बिठाते हैं, वी आर थ्रोइंग इन वाटर पॉन्ड, वी आर पोल्यूटिंग द एक्वाटिक लाइफ, गवर्नमेंट को पता है तो केमिकल डाल देता है, क्लीन करता है, लेकिन वी आर डिस्टर्बिंग एक्वाटिक लाइफ, वी आर डिस्टर्बिंग फूड चेन, फूड वेब, आपको पता होगा, आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, वी आर डिस्टर्बिंग दैट, बट यू आर बींग ए बायोलॉजिकल स्टूडेंट, वाई कांट यू ब्रिंग हर्बल मेथड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पॉन्ड और रिवर वाटर? इट्स एन सोल्यूशन टू टेक्निकल प्रॉब्लम, सो इफ यू ब्रिंग एनी सोल्यूशन, दैट्स एन, यू कैन गेट पेटेंट फॉर दैट, एनी ठीक सोल्यूशन। अभी मेरे पास फॉर एग्जाम्पल हर्बल मेडिसिन फॉर जॉइंटिस, सोल्यूशन टू प्रॉब्लम, प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ समथिंग एल्स, सोल्यूशन टू प्रॉब्लम। इफ यू ब्रिंग, यू कैन ऑल्सो गेट पेटेंट, यू कैन बिकम ए ग्रेट इन्वेंटर, और यू कैन कॉल्ड एज एन इन्वेंटर फॉर देम। अभी हम देखते हैं कैसे पेटेंट फाइल करें इंडिया में। सो हाउ टू फाइल योर टेक्नोलॉजी इन इंडिया, हु कैन फाइल? एनी पर्सन, कोई भी पेटेंट फाइल कर सकता है, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, कम एज वाला हो, बड़ा हो, छोटा हो, और स्टार्टअप हो, एमएस, एनी वन कैन फाइल द पेटेंट एप्लीकेशन। कैसे फाइल करें? डायरेक्टली आप छत्तीसगढ़ के हो, मुंबई आपका जो जुरिस्डिक्शन है, वहां जाके फाइल किए, या ऑनलाइन भी, जुलाई 20 से हम लोग
2007 से ऑनलाइन फैसिलिटी दे चुके, ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं। जैसे कि आपका जोडिशन मुंबई है तो स्टेट ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा, छत्तीसगढ़, ये सब वहीं पे फाइल करना है। तो अलग अलग जोडिशन है, डिपेंड अपॉन दैट यू हैव टू फाइल। मिनिमम डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं? कवरिंग लेटर इंडिकेटिंग द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, फॉर्म वन चाहिए ताकि एप्लीकेंट की डिटेल लिखिए, और फॉर्म टू चाहिए ताकि आपका कौन सा इन्वेंशन है, प्रोविजनल आया, कंप्लीट है, कंप्लीट मींस कंप्लीशन ऑफ ऑल द रिसर्च वर्क विद द क्लेम्स यू आर फाइलिंग, वो होना चाहिए। फॉर्म थ्री यदि वही फॉरेन में फाइल करे तो कौन से कंट्री में फाइल करे वो बताना चाहिए। फॉर्म फाइव डिक्लेरेशन ऑफ इन्वेंटरशिप, उसके लिए चाहिए। फॉर्म 18 रिक्वेस्ट फॉर एग्जाम, अंटिल आप रिक्वेस्ट करते हो नहीं चाहिए। पेपर पब्लिकेशन में आप आपका नाम अपने दूसरे लैबमेट्स का नाम लिखते हो, उसी तरह इसमें यदि लिखना है तो फॉर्म फाइव चाहिए। लेकिन थिंक दैट पेपर पब्लिकेशन में फर्स्ट ऑथर को ज्यादा वैल्यू होता है, लेकिन यहाँ पे सभी को इक्वल वैल्यू है, इसलिए थिंक कीजिए उनका ही नाम डालिए सच में आपके साथ जुड़ा हो, नहीं तो आपका प्रोडक्ट कमर्शलाइज हो गया, आपको पैसे मिलने लगे तो आपको रॉयल्टी शेयर करना पड़ेगा। इसलिए थिंक आई एड नेम ऑफ इन्वेंटरी द फॉर्म फाइव, फॉर्म 18 रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन आपको फाइल करना। फीस है 1600 फॉर इंडिविजुअल, 8000 फॉर अदर्स अप टू 30 पेजेस। बेसिक फीस है, फीस इज गिवन ऑन द वेबसाइट, प्लीज सी केयरफुली ड्यूरिंग योर फाइलिंग एंड फाइल दैट। अगेन यू आर हैविंग चांस टू फाइल एक्सपर्ट एग्जामिनेशन, मीन्स एक साल में भी आप पेटेंट ले सकते हो। आपको फॉर्म 18A भरना है, और कौन एलिजिबल है? दोज हु आर फाइलिंग पीसीटी, मीन्स पेटेंट प्रॉपर्टी एप्लीकेशन भरते हो, या एप्लीकेंट स्टार्टअप कंपनी का हो, और एज पर 2019 रूल वन ऑफ द एप्लीकेंट आपके ग्रुप में लेडीज हो या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट फाइल कर सकता है। उसके लिए फॉर्म 18A के लिए 8000 फीस है, कंपनी के लिए 60,000। और ये हमारा वेबसाइट है, आपको डिटेल में जानना चाहिए तो यहाँ जाइए, इसका नोट कीजिए। पेटेंट्स के बारे में डिटेल यहाँ मिलेगा, डिजाइन, ट्रेडमार्क और जीआई के लिए, कॉपीराइट के लिए यहाँ मिलेगा सी केयरफुली, और आपको ऑनलाइन फाइल करना है तो कॉम्प्रिहेंसिव ई फाइलिंग, वहाँ पे पेटेंट डिजाइन ट्रेडमार्क है। पेटेंट के लिए ई सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर चाहिए, ट्रेडमार्क के लिए डिजिटल, कॉपीराइट के लिए नो सिग्नेचर, जस्ट लॉग इन, क्रिएट योर आईडी पासवर्ड एंड फाइल। आपको सर्च करना है कि ये टेक्नोलॉजी आपकी पब्लिक में है या नहीं, तो पब्लिक सर्च में जाइए, आपका नाम डालिए वहां पे, फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मॉस्किटो कैचिंग डिवाइस है क्या नहीं पता चल जाएगा। आपको करना हर्बल मेडिसिन फॉर कैंसर, यहाँ पे सर्च कर सकते हैं पहले पेटेंट है क्या नहीं इसके ऊपर। मैं टाइम ज्यादा ले रहा हूँ बिकॉज पहले स्पीकर ने लिया है, तो और 2 मिनट लेता हूँ बस, ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा। लंच टाइम होगा, सारे भूखे होंगे, मेरे लेक्चर को ध्यान देते नहीं होंगे, लेकिन कुछ समय लेता हूँ आपको, जस्ट कंप्लीट कर रहा हूँ बिकॉज आई नो लंच टाइम इन सेवरी इज वेरी ईगर, दे मेट आर थिंकिंग फॉर द लंच, बट प्लीज बियर फॉर 5 मिनट्स। अभी हम पेटेंट कैसे देते हैं? यदि आप टेक्नोलॉजी आपने यहाँ फाइल करने के बाद हम डिजिटाइज करते हैं, स्कैन और कौन सा सब्जेक्ट है उसको क्लासिफाई करते हैं, उसके लिए हम इंटरनेशनल पेटेंट क्लास इंस्टीट्यूट करते हैं, IPC 7। बायोटेक है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, इंजीनियरिंग है, कौन सा फील्ड है? यदि आप रिक्वेस्ट करते हो अर्ली पब्लिकेशन, विद इन वीक या मंथ में पब्लिश करते हैं, अदरवाइज 18 मंथ पब्लिकेशन। एक बार पब्लिश होने के बाद कोई भी अप्रोच कर सकता है, उसे हम प्री ग्रांट कहते हैं। और रिक्वेस्ट फॉर एग्जाम करते हो तो ये एग्जामिनर को और कंट्रोल को अलर्ट होता है, वो एग्जामिन करते हैं, फॉर्मल टेक्निक जिस आपको भेजते हैं उसे हम फर्स्ट एग्जामिनर रिपोर्ट करते, उसे 6 महीने में आपको रिप्लाई करना है। नहीं करते हैं, नहीं करते तो आपको 3 मंथ का एक्सटेंशन ले सकते हैं, विद इन 9 मंथ होकर को आपको फाइल करना है। रिप्लाई ओके होता तो ग्रांट होता है, नहीं तो रिजेक्ट या हियरिंग लाइक कोर्ट हियरिंग का आपको लेटर आ जाता है। तो आप हमको समझा सकते हैं कि तुम्हारा टेक्नोलॉजी कैसा नहीं है। एक बार ग्रांट होता है तो आपको सर्टिफिकेट उसी दिन मिलता है, और विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन पोस्ट ग्रांट में ओनली इंटरेस्टेड पर्सन आ सकता है। प्री ग्रांट में कोई भी आ सकता है, लेकिन पोस्ट ग्रांट में ओनली इंटरेस्टेड पर्सन। वो कौन होता है? फॉर एग्जाम्पल हुंडई कंपनी कुछ नया टेक्नोलॉजी लेके आता है तो मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स के अपोज कर सकते हैं उसे हम। थैंक यू सर, आई विल टेक सम मोर टाइम्स। सो एनीवन, तो एनी इंटरेस्टेड पर्सन कैन अपोज, लाइक टाटा मोटर्स ने किया तो हुंडई कैन, मीन्स दे आर इन द सेम बिजनेस, दे आर कॉल्ड एज पर्सन इंटरेस्टेड। तो आप अपोजिशन फाइल कर सकते हैं। करने के बाद हम अपोजिशन बोर्ड बनाते हैं, 3 ऑफिसर होते, एक चेयरमैन, 2 मेंबर होते, वो उस अपोजिशन ग्राउंड पे रिपोर्ट देते हैं हमें कि ग्रांट करना है, परमिशन देना है, नहीं देना। उस तरह अपोनेंट के सारे ग्राउंड हम अप्लीकेंट को भेजते हैं, वो डिटेल रिप्लाई देता है, वो अप्लीकेंट का रिप्लाई अगेन हम अपोनेंट को भेजते हैं, फिर रिप्लाई देता है। अपोनेंट है अपन रिक्वेस्ट करते हैं तो हम पेटेंट उसको ग्रांट करते हैं। तो ग्रांट करते हैं क्योंकि अपोनेंट जब पूरे
ग्राउंड का अप्लीकेंट से सेटिस्फाई हो, अप्लीकेंट इज एबल टू सेटिस्फाई ऑल द ग्राउंड्स, देन यू आर ग्रांटिंग द पेटेंट। तो हम डिसीजन देते हो, आपका डिसीजन आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आप ले जा सकते हैं। सो सर आई एम इन लेक्चर, आई एम इन लेक्चर सर, ओके। सो विल गिव द डिसीजन, यू कैन चैलेंज इन द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इफ यू आर ग्रांटिंग और रिजेक्टिंग इफ यू आर नॉट हैप्पी विद द डिसीजन। ये हमारा पेटेंट देने का प्रोसीजर है। सो आपको पेटेंट मिल जाएगा। आपको लगता है कि कोई और कॉपी कर रहा है, वो नहीं, कॉपी नहीं हो सकता, आपको लग रहा है गलत है, तो आप प्री ग्रांट में आइए, पोस्ट ग्रांट में आइए, आर कोर्ट में जाइए, तो आपको आप रिजेक्ट करवा सकते हैं। इट्स राइट इज विथ यू, टू टायर सिस्टम है, प्री ग्रांट में पोस्ट ग्रांट में आप उसको अपोज कर सकते हैं। यदि आप किसी ने नया डिजाइन लेके आया तो फीस है 1000 रुपीज फॉर इंडिविजुअल, स्टार्टअप, एमएसएमई और कंपनी के लिए 4000 डिजाइन फाइल करना है तो, और फॉर्म ऑन भरना है। डिजाइन के 32 क्लासेस है सर, आई एम इन लेक्चर सर। सो आवर लेक्चर इज टुमारो ना, यूर लेक्चर इज टुमारो ना। सो 32 क्लासेस है और 237 सब क्लासेस। फॉर एग्जाम्पल आप सूटकेस ब्रीफकेस नया डिजाइन बनाते हो तो क्लास 3 में आ जाता है। यदि आप कुछ फोटोग्राफी बनाते हो क्लास 16 में आ जाता है। यदि आप मेडिकल कुछ डिवाइस बनाते हो क्लास 24। कौन सा डिजाइन है आपको मेंशन करना पड़ेगा, और आपकी डिजाइन कैसी नहीं है वो 2-3 लाइन लिखना पड़ेगा। ये मेरा टी पॉट है, आप देखते हो आपके घर में भी टी पॉट होगा, लेकिन ये मेरा नया डिजाइन है। नेम ऑफ द एप्लीकेंट, आपका कॉलेज का नाम होगा, टोटल सीट, फ्रंट व्यू, बैक व्यू, साइड व्यू, सब व्यूज के सीट के फोटो लेना है, टोटल नंबर 8 सीट, 1 फीट 2 फीट से लिखना है, और नया कैसे दिखता है 1 सीट लिखना है। ये अपना डिजाइन एप्लीकेशन हो गया। ये बैड क्वालिटी क्लियर डिजाइन नहीं, इसको हम लेते नहीं रिकॉर्ड पे। आईपीआर का रोल क्या है, इंक्रीजमेंट करना है, इंप्रूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, एक्सरे टू सिटी स्कैन मशीन है, एजीबल टू मोबाइल आ गया, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं। प्रोवाइडिंग राइट फॉर यू डिस्क्लोजर, गवर्नमेंट आपको अवार्ड दे रहा है, यू कैन प्रैक्टिस एंड गेट द मनी आउट ऑफ दैट, लाइक सैमसंग, सोनी टीवी और मोबाइल, सब कुछ आप है वो कमा रहे, वैसे आप भी कमा सकते हो। आपका टर्म 20 साल है, उसके बाद एक्सपायर हो गया, पेटेंट मिलता है, आप रिन्यूअल फीस नहीं भरते हो तो सीज हो जाता है, तो कोई भी आपका टेक्नोलॉजी यूज कर सकता है। अब क्या करें, यू केम टू नो अबाउट द डिफरेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, सो डोंट कीप क्वाइट, शेयर द बेनिफिट ऑफ पेटेंट सिस्टम, सभी को बताइए पेटेंट क्या है, आईपीआर क्या है, इसके फायदे क्या है, आप कॉलेज में, स्कूल में और पब्लिक में भी बताइए, ताकि कोई रोड साइड में बैठा हुआ आदमी कोई नया डिजाइन बना तो उसको भी पता चले। यूटिलाइज द रिसोर्स थ्रू ऑर्गेनाइज आरएनडी एक्टिविटीज, कैप्चर द मार्केट ग्लोबली। आपको पेटेंट डिजाइन लेते हो तो इंडिया में मत लीजिए, पर सच में नया हो तो वर्ल्ड वाइड ग्लोब वाइज आपका पेटेंट लीजिए, जैसे एप्पल का है आप ले सकते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर का है ले सकते हैं, व्हाई कांट यू अर्न द प्रॉफिट थ्रू प्रोटेक्ट मार्केट। आपको बेनिफिट लेना है, फायदे लेना है, तो प्रोटेक्ट कीजिए, आपका पेटेंट हो, डिजाइन हो, ट्रेडमार्क हो, कॉपी हो, तो आप फायदे ले सकते हैं। यू कैन प्रोटेक्ट योर टेक्नोलॉजी, यू कैन प्रोटेक्ट योर टेक्नोलॉजी, यू कैन गेट द बेनिफिट ऑफ दैट। By hoping that you might have got something from my lecture, you file more patents, designs, trademark, many more things. I wish you all the best for future your assignments. Work. Hoping all things, I put full stop my lecture. Thank you, Nanda. Let us have a discussion. Sir, mera ek question hai. Yes, sir. Please. Go ahead. Sir, how do you see the future of IPR? इट्स वेरी गुड फ्यूचर। आजकल के बच्चे इतने अच्छे अच्छे नया इन्वेंशन ले आते हैं, आपको बताना चाहता हूँ। एक 14 साल का लड़का है निम्बोरे, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेके आए ताकि आपको हार्ट अटैक आ रहा है बता सकते हैं। और एक डिवाइस आया है इलेक्ट्रॉनिक जॉकेट, आप पहनते रहो आपको पता चल जाए कि आपको हार्ट अटैक आने वाला है। कितने अच्छे इन्वेंशन है। साउथ इंडिया का और एक बच्चा है, उन्होंने लेके आया है एक्सटेंशन ऑफ लाइफ स्पैन ऑफ बनाना। तो बहुत सारे बच्चे भी इन्वेंशन कर रहे हैं, नॉट ओनली साइंटिस्ट, नॉट ओनली एजुकेटेड, अनएजुकेटेड लोग भी बहुत सारे इन्वेंशन लाए। तो हमारा आईपीआर का फ्यूचर बहुत ही अच्छा रहेगा। वी रीच समवेयर एल्स एट वर्ल्ड मैन नॉट हैव थॉट। और अभी मैंने जो बोला ट्रैकर, तो आप अपना बच्चा किडनैप हो तो उसमें वो दे हम डालते हैं ट्रैकर, तो हम लोकेशन भी ढूंढ पाते हैं। तो बहुत सारा अच्छा स्कोप है आईपीआर में। और कुछ कहना चाहते हो? वेरी इंटरेस्टिंग सर, जो सबसे हमारा प्रीशियस एसेट है उसको हमारे बच्चे, आपने बहुत अच्छे से बताया और इतने सिंपल वे में बताया,
इट इज वेरी इंस्पायरिंग. आप छोटे छोटे आइडियाज डेवलप करें, इंक्यूबेट करें, और हमारे यहाँ पर कॉलेज में जो भी इनोवेशन काउंसिल है, जो मेंटर्स अवेलेबल हैं, और अगर जरूरत होगी तो हम लोग सर से भी रिक्वेस्ट करेंगे, और हम लोग बहुत इंस्पायर होंगे सर. वेन एवर पॉसिबल वी वुड लाइक टू इनवाइट यू टू आवर कैंपस, और इट विल बी अ ग्रेट प्लेजर एंड ऑनर फॉर आवर बस. We are happy to come to your campus. We can take the physical lectures so that it's more interactive with the students who are doing the future in best. Because always online is online, but if you conduct offline, it will be very interesting. People can understand their own, they can share their own thoughts about the innovative ideas, and they can come in the form of product or process. Wonderful, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Have a great day. Thank you. Bye-bye. Once again, reminder to fill the feedback link for the students. We have all the Dr. participants. Garima Tiwari with us. And we would like to invite. And she's a very passionate lover and innovator. And the professor with Guru Ghasidas Central University. And he's the vice chairman of the college. And the guest speaker. Thank you, sir. सर, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार, और इतने इतने कम समय में इतने इनोवेटिव अप्रोच के साथ इतना बढ़िया प्रोग्राम करने के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई. और मैं स्पेशली थैंकफुल हूँ हमारे अभी अभी मैंने ज्वाइन किया हुआ था काफ़ी लंबे टाइम से, और मैंने दोनों ही जो हमारे आज के एमिनेंट स्पीकर्स थे, रेस्पेक्टेड डॉक्टर भारत एन सूर्यवंशी सर एंड मिस्टर अभिषेक रंजन कुमार, आप दोनों को ही मैंने सुना. एंड सर, वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर एवरीथिंग, एंड थैंक यू सो मच ऑन बिहाफ ऑफ चैतन्य कॉलेज. और इसके साथ ही मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, एक्चुअली अवेयरनेस की ज़रूरत जो है हमारे बच्चों को सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हम जाने अनजाने सारे प्रोडक्ट्स और सारी चीज़ें देख रहे हैं अपनी लाइफ में, अपने आसपास, और इनोवेशन की जो ज़रूरत है वो भी देख रहे हैं, क्योंकि इनोवेशन की ज़रूरत जो है वो फूड, कॉस्मेटिक्स और हेल्थ केयर, हाइजीन, इवन जब हम सड़कों पर चलते हैं तब भी हमें लगता है कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ये इस तरह से होनी चाहिए. और बहुत एक ओल्ड प्रभाव है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो हमारी आवश्यकताएं जो है वो आज की सोसाइटी से जिस तरह से चेंज हो रही है उनको समझने और उनको फील करके, अभी सर ने जैसे बताया डॉक्टर भारत ने, एक 14 साल के बच्चे ने एक इनोवेटिव आइडिया लेकर के इन्वेंशन कर लिया, तो बहुत खुला हुआ आकाश है आपके पास कि आप भी इस तरह की सोच रख सकते हैं, इस तरह का काम कर सकते हैं. और सर, हम आपके लिए बहुत, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने हमारे कॉलेज को सेलेक्ट किया इस प्रोग्राम के लिए, और इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं डॉक्टर वीके गुप्ता सर, प्रिंसिपल चैतन्य कॉलेज, एंड डॉक्टर गुरिया, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी, और उम्मीद करती हूँ कि इस तरह के अवेयरनेस बेस्ड और बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो आने वाले टाइम में हमारे बच्चों के साथ आप साझा करते रहेंगे. और सब बच्चों से मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, आपने रेडियो किस किस ने देखा है, रेडियो, और रेडियो का इन्वेंटर जब पूछा जाता है आविष्कारक, तो हम क्या कहते हैं, मार्कोनी. 1909 में मार्कोनी को रेडियो के लिए नोबेल प्राइज मिला था, और उनको हम जब बोलते हैं कि रेडियो का आविष्कारक कौन है तो हम मार्कोनी का नाम लेते हैं. लेकिन हमारे भारत के ही सर जेसी बोस ने जो रेडियो वेव्स का कंसेप्ट है, और रेडियो वेव्स पे सेमी कंडक्टर के एप्लीकेशन के लिए उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में रह के जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे, वही आगे जाकर रेडियो का आविष्कार का आधार बना. तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारी जानकारी की कमी के कारण हम जिसकी वजह से पीछे रह गए, और अब समय है कि हम उसे समझें और एडॉप्ट करें, उन सारी चीज़ों को लर्न करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी के कारण अब हम बहुत पास आ चुके हैं. सर नागपुर में हैं, और सर ने अपने थॉट्स हम सबके साथ शेयर किए, इतने सारे अच्छे अच्छी बातें, आप सबको मोटिवेट किया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इसका स्टूडेंट्स को जरूर मिलेगा. थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू. थैंक यू. मे आई लीव द प्लेटफॉर्म प्लीज.
thank you very much. Thank you very much, thank you all dear, thank you all handling the platform. One minute, sir, and we have actually Vivek Joglekar ji. He's a very passionate lover and of innovation. नमस्कार डॉक्टर साहब. नमस्ते नमस्ते. ये पेटेंट इतना इम्पोर्टेंट है, हमने केवल नाम सुना था, परंतु ये इतना यूजफुल है और ये हमारे लिए इतना इंस्पायरिंग हो सकता है. ये जो आपने ओपनिंग दी है उसके लिए हम आपके छात्रों की ओर से ईमानदारी से आभारी हूँ, क्योंकि जो 14 साल के बच्चे का उदाहरण आपने दिया वो भी एक बहुत ही बड़ा भारी इंस्पिरेशन है. तो तालियों की गड़गड़ाहट ये बता रही है कि आपके प्रेजेंटेशन को हमने कितना अपने दिल से स्वीकार किया है. भविष्य में भी आपका सहयोग बना रहे. एक बात सर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपके इस प्रेजेंटेशन में करीब 20 यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और फैकल्टी मेंबर ज्वाइन किए हैं और करीब 6 स्टेट से ये लोग आए हैं. वेस्ट बंगाल से हैं, बिहार से हैं, झारखंड से हैं. तो ये काफी वाइड रेंज कवरेज जो है इस बार हुआ है. हमारे कॉलेज के तो करीब 500 प्लस बच्चे इसको अटेंड कर रहे हैं. आपको जो दिख रहा है वो तो केवल एक हॉल है. वैसे दो हॉल हैं और उसमें बच्चे बैठे हैं और लगभग इतनी बड़ी तादाद में हमारे इंस्टीट्यूट के बाहर के भी यंगस्टर जो हैं वो आपको ज्वाइन किए हैं. सो वी आर हाईली इंडेटेड टू यू फॉर द कंट्रीब्यूशन यू मेड. एंड द फैक्ट इज वी ओनली हर्ड द वर्ड पेटेंट बट व्हाट इट इज एंड हाउ वी हैव टू अप्रोच वी न्यू इट फॉर द फर्स्ट टाइम. थैंक यू अगेन सर. और जैसा कि हमको बताया गया कि ये यहाँ पामगढ़, शायद आप न जानते हो परंतु पामगढ़ बिलासपुर से करीब 45 किलोमीटर दूर एक बड़ा ब्लॉक हेडक्वार्टर है. पर ये इस प्रकार की एक्टिविटीज जो है वो हमारे जो चेयरमैन हैं वीरेन तिवारी साहब और जो डेप्यूटी चेयरमैन है डॉक्टर गरिमा तिवारी, इनके माने जिसको कहते हैं कि इनिशिएटिव की वजह से पॉसिबल हो पाता है. और हमारे जो प्रेजेंट प्रिंसिपल हैं डॉक्टर के गुप्ता सर, वो भी बहुत डायनामिक है इस मामले में. एंड फॉर्चुनेटली वी हैव गॉट ए वंडरफुल टीम ओवर हियर. गुरिया सर हैं, ऋषभ देव पांडे सर हैं और ग्रेट डील ऑफ टीम. सो थैंक यू वेरी मच सर फॉर द कंट्रीब्यूशन. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजिंग वर्ड्स, योर गुड वर्ड्स. From that, I have motivated to give more and more lectures to you all. Thank you so much. I also improve in my knowledge because always we are students, always something there to learn from you also. So hope same cooperation from both the sides. Thank you. Wishing all the best. Have a nice noon. Thank you. Bye bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Feedback link groups में share किए जा रहे हैं. कर दिया गया है, आप उस पर अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दें. चैट बॉक्स में भी इसे शेयर कर दिया गया है. और आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद. और आदरणीय प्रिंसिपल सर की अनुमति से आज के इस प्रोग्राम की समाप्ति की घोषणा की जाती है. थैंक यू.